अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं अंतल अमीन और मैं आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूं क्रिस्पी चिप्स, जिसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप इजीली इसको घर बना सकते हैं। जिसके लिए हमें चाहिए 4 आलू, 1 कप बेसन, 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च और 1 टेबल स्पून हमें चाहिए फ्राइड क्रिस्पी फ्राइड चाहिए, जो कि चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करता है। ये जो हमने 4 आलू लिए थे, इसको हमने स्लाइस में काट लिया है। ये देखिए, इस तरह से इसको हमने स्लाइस में काट लिया है और इसको ठंडे पानी में भिगो के रख दिया है। हमने आधे घंटे के लिए इसको ठंडे पानी में भिगो के रखा है ताकि चिप्स बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बने। ये जो हमने चिप्स रखी थी आधे घंटे के लिए, इसमें से हमने पानी निकाल लिया है। अब इसमें हमने बेसन और मसाले मिक्स करने हैं। इसमें हम डालेंगे 1 कप बेसन, ये देखें 1 कप बेसन डाल दिया इसमें हमने। इसमें हमने 1/2 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून गर्म मसाला, 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबल स्पून क्रिस्पी फ्राइड, 2 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं आप इसमें। और इसको हम इस तरह अच्छी तरीके के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा चिप्स का मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है और एक पैन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है। अब चिप्स हम ऑयल में डाल देंगे, इस तरह हमने इसमें डाल देनी है। देखिए चिप्स तैयार हो चुकी है, इसको हम स्ट्रेनर की मदद से बाहर निकाल लेंगे और सर्व कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम सर्व कर देंगे। इसको हम केचप और मायोनीज के साथ सर्व कर देंगे। ये चिप्स बिल्कुल रेडी है, इसको हम सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही अच्छी बनी है चिप्स। इसको आप घर में ज़रूर ट्राई करें और बनाएं एक दफ़ा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।